नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैजान। कैसा लग रहा है सातवीं पे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे आए तमाम हजरात नाज़रीन से गुजारिश करूँगा और कर भी रहा हूँ, मैं चाहूँगा ये पर्व हम लोगों का हिंदुस्तान का सभी का पर्व है, हिंदू मुस्लिम सभी का पर्व है और मैं चाहूँगा इसको शांतिपूर्वक सभी तरह से हम लोग मनाएं ताकि किसी भी तरह का कहीं दुर्घटना नहीं हुए। क्योंकि हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मैं कुनाल भागलपुर बिहार से। फिलहाल दोस्तों आज है मुहर्रम का सातवीं। मुहर्रम को जो है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना कहा जाता है और इसे शहादत का महीना के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का दिन जो है काफी ज्यादा महत्व रखता है इनमें। और मेरे पीछे अगर देखिएगा भाई, ये देखिए, ये मेरे पीछे ये है आपको भागलपुर का किला घाट मैदान, जहां पर सातवीं के शुभ अवसर पर जो है मेला का आयोजन किया गया। पूरी तरह से आप देख सकते हो भाई, मेरे पीछे भी देख सकते हो। अभी जस्ट मैं नीचे जाऊंगा और उसके बाद ए टू जेड सारा व्यू आपको दिखाऊंगा। बस हमारे साथ बने रहिएगा। और भाई अगर भागलपुर से आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बगल में घंटी बटन भाई बस से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ए टू जेड मुहर्रम का सारा वीडियो मैं कवर करने वाला हूं। तो मिलते हैं, चलिए नीचे चलते हैं और ए टू जेड एक्सप्लोर करते हैं और आपको सारा चीज दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली मैं नीचे आ गया। अब मेरे आगे और पीछे दोनों ही साइड आप देख पा रहे होंगे यहाँ का व्यू, ये नज़ारा आपको दिख रहा होगा। ये सातवीं का जो है किला घाट में मेला का आयोजन किया गया है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो भाई ये देख सकते हो, यहाँ पे एक बड़ा सा नाव भी है यहाँ पे और बहुत सारा चीज़ है, दुकान वगैरह का मैं शेयर कराऊंगा। फिलहाल चलिए मैं जो यहाँ का जो मजार है वहाँ पे जाते हैं और ए टू जेड वहाँ का। और यहाँ पे ये भैया लोग, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको। फिलहाल चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ए टू जेड, काफी ज्यादा मजा आने वाला आपको ब्लॉगिंग में। यहाँ पे भाई एक चीज है आपको, यहाँ का जो खास चीज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है बूंदी वगैरह चढ़ाया जाता है, जो आपको ये साइड में देखने को मिल रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हो ये सारा सारा भाई ए टू जेड, ठीक है। तो इसी तरह की चीज आपको यहाँ पे मेला पे देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे साइड से अगर मैं दिखाऊँ ना, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे खिलौने वगैरह का भी यहाँ पे मतलब व्यवस्था वगैरह है भाई, सारा चीज है। फिलहाल मजार के अंदर मैं जूता पहना हुआ उतर ही जाऊंगा, बट अंदर का व्यू आपको जरूर मैं दिखाऊंगा, ठीक है। यही सारा चीज यहाँ पे हम मेला में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, जो आपको दिख रहा हो भाई। और यहाँ पे चारों ही तरफ आपको इस तरह का चीज देखने को मिल रहा होगा। तो ये कहेंगे हम, अगर आप भागलपुर से फिर लाइक रिक्वेस्ट के शेयर के बगल में भाई घंटी का बटन है, आप उसे भी प्रेस करना भूले, आपका भाई इसी तरह का ब्लॉग लाते रहता है। और यहाँ से भी अगर मैं दिखाऊं तो ये दिख रहा होगा सारा आगे का व्यू ए टू जेड। दिखाने वाला हूँ आपको इस मतलब जो मुहर्रम का एक मेला जो का जो आयोजन होता है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज रखता है यहाँ का जो शाही हलवा होता है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ का पराठा होता है, वो भैया जो बना रहे वो दिखाएंगे मैं अभी आपको। फिलहाल वो मेरे पीछे है, पूरे सराई में आप देख सकते हो। ये महादेव सी रोड है दोनों ही तरफ, इस साइड तो आपको दुकान वगैरह आप मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आगे में अगर मैं दोनों ही साइड दुकान लगा हुआ है फिलहाल, क्योंकि यह मेला बस एक दिन तक, आज सातवीं तक ही रहती है किला घाट में, और इसके बाद आपको पता होगा कि यह मेला जो है सहजंकी में चला जाता है और वहाँ पे जो है आपको आठवीं और नवीं काफी ज्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पे। इसके बाद आपको जो है सहजंकी का मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, आप हमारे साथ बस बने रहिए। इस तरह का चीज देख चारों तरफ भाई देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक दिन का मेला होता है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, आसपास के जितने भी एरिया के रीजन के हैं,
वो सारे लोग यहाँ आते हैं। किला घाट काफी ज्यादा फेमस है, प्रचलित है, और यहाँ पे जो मजार है लोग यहाँ पे बूंदी वगैरह जो भी है आप वो आते हैं। आपको मैंने बताया था कि मुहर्रम को जो है शहादत के महीना के नाम से जाना जाता है, और इसमें जैसे कि इस्लामिक जो धर्म गुरु थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, ठीक है, उन्हीं के परिवार से कोई थे जिनकी मतलब बहन का अगर कहे तो मैं बेटा था, मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं पूछ के आपको ए टू जेड सारा चीज मैं बताऊंगा। ये सारा है भाई, पूरी तरह से आप दोनों ही साइड देख रहे होंगे मेरे, काफी ज्यादा। एक मेरा फिर से सब्सक्राइबर मिला छोटा सा, ये मेरा रेगुलर वीडियो देख रहा है, वीडियो देखे कैसा आपका नाम? बहुत अच्छा लगा, हमारा नाम एमडी तवारक है। और वीडियो देखे कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा, सब सब्सक्राइब भी किए और सब आपका वायरल हो रहा धीरे धीरे। ये बताइए आज जो है मुहर्रम का साथ में आप क्या कहेंगे अपने समाज के लिए? बहुत अच्छा है, अल्लाह के नाम से पूरा भीड़ है, पूरा एकदम पंजा उंजा भी अंदर घुसने का जगह नहीं मिल रहा है, अच्छा भीड़ चल रहा है अभी, आप लोग भी आइएगा यहाँ घूर लिएगा थोड़ा सा। मतलब भाई पूरी तरह से जो है, चलिए आपको सबसे पहले करूँ ना, ये है सराय का, आप मेरे दोनों साइड देख रहे होंगे यूनिवर्सिटी रोड, और यहाँ पे सारी दुकान वगैरह भी थोड़ा भीड़ कम लग रहा है आपको, बट अगर मैं किला घाट की बात करूँ ना, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है, यहाँ से लेकर सराय चौक से लेकर अंदर किला घाट जो रोड जाती है महादेव सिंह कॉलेज के पास, वहां तक आपको पूरा क्रश दिखेगा भाई, पूरा एकदम। आगे देख रहे हो जाम वगैरह भी लगा हुआ है, और मौसम तो काफी अच्छा खासा है। आप भुजिया पराठा एक होता है वो भी काफी ज्यादा यहाँ का फेमस होता है, वो सारा चीज मैं दिखाऊंगा। और खास कर अगर मैं बात करूँ सातवीं के दिन मजार पे जो है बूंदी वगैरह यहाँ चढ़ाया जाता है, जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। चाहे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे बूंदी बेच रहे हैं, और आगे भी आपको सारा चीज वो देखने को मिलेगा। फिलहाल चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं सारा। भैया जानते हैं कि मेरा आपको बूंदिया वगैरह आपको देखने को मिलता है। अच्छा भैया बताइए, जैसे कि आप बूंदिया और लड्डू वगैरह बेच रहे हैं, तो जनरली जो है मजार पे क्या क्या चढ़ाया जाता है? हाँ, बूंदिया है, लड्डू है, बदीनारा है, सेला है, अगरबत्ती, मोती, ये सब वगैरह, यही सारा चीज चढ़ाया। जी जी, कैसा बिक्री सब कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, तो भाई ये है पिछले साल की तुलना में अच्छी बेहतर है। जी, तो मतलब भाई पिछले साल की तुलना अगर मैं बात करूँ तो बिक्री भी अच्छी हो रही है। तो इस मेला में आपको मिलता है भाई खाने के सामग्रियों अगर मैं बात करूँ तो आइसक्रीम से लेकर, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मतलब क्या कह सकते हैं, मूंगफली वगैरह हो गया, आइसक्रीम हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे खाने को मिल जाती है, और काफी ज्यादा क्रश भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, और आवाज बात करूं तो यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको रॉयल, यहाँ पे आपको सारा चीज खाने के लिए मिल जाएगा, और सामान से अगर मैं बात करूं तो यहाँ बूंदी वगैरह सारा चीज यहाँ पे मिल रहा है भाई, काफी अच्छा है। और इस साइड अगर मैं दिखाऊं तो सारे तरफ मतलब एक से बढ़कर एक चीज, पिछले साल की तुलना में अगर मैं बात करूँ तो अच्छी अच्छी चीज आप यहाँ पे आपको खाने को मिल जाती है। और फिलहाल मुझे जल्दी से जाना है वहाँ पे, कुछ लोगों का मैं इंटरव्यू वगैरह लूंगा, कुछ लोगों से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इस बार का मेला जो है लोगों को कितना ज्यादा भा रहा है, और बहुत सारा चीज है। चलिए फिलहाल चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। पूरा क्रश भाई, पूरा बहुत सारे ऐसे मतलब यहाँ पे हमको मिल रहे हैं जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स रह चुके हैं या सब्सक्राइबर हैं, काफी अच्छा है, काफी अच्छा है भाई। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलेंगे जो एक छोटा सा झूला, वो आपको वहाँ पे गाड़ी मिल जाएगा, और एक नाव है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ भाईजन मिले हैं, इनसे पूछते हैं, जैसे आज की मुहर्रम का साथ में आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे आप?
आप बताइए, चलिए वो छोड़िए, आप बताइए क्या पूछ रहे हैं? मतलब पूछ रहे हैं आज मुहर्रम का सातवीं, आप क्या कहेंगे? हम कह जाएंगे यहाँ जितने भी पैकर भाई हैं सब आराम से आए और आराम से जाएं, और किसी भी महिला को कोई तंग ना करे, बस इतनी सी गुजारिश है पैकर भाई से। थैंक यू, थैंक यू। मैं जिधर का सीन आपको दिखाने वाला हूँ, इधर आपको किला घाट में जो है सारे खाने पीने के जो भी सामान वगैरह चाहे वो चाउमीन हो, पिज्जा हो, बर्गर हो, वो सारा चीज यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ये जितना भी है फिलहाल, ये भीड़ काफी ज्यादा क्रस है भाई, भीड़ में ब्लॉगिंग करना काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो आपको पता ही होगा। आगे से मैं शुरू होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारा आपको वैसे फास्ट फूड ही आपको मिलेगा खाने के लिए, चाहे वो चाउमीन हो या अदर्स चीज का मैं बात करूँ, दोनों ही साइड वही पिज्जा बर्गर सब चाउमीन चाट वही सारा चीज मिल रहा है आपको फास्ट फूड के रूप में। और इधर क्या हो रहा पता नहीं, और इधर से ये व्यू आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये, और इधर ये है भाई। और कुछ तो आइए हम जानते हैं कि भागलपुर का किला घाट जो काफी ज्यादा फेमस है, तो भैया सबसे पहले आपको जो मुहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये बताइए कि किला घाट में जो है मुहर्रम का ये मेला कब से आयोजित किया जा रहा है? बताना चाहूंगा, मैं मोहम्मद मिराजुल जो किला घाट पंचायत का रहने वाला हूँ और किला घाट पंचायत का सचिव हूँ। सचिव होने के माध्यम से जो भाई साहब हमारे पूछ रहे हैं कि मुहर्रम कब से मनाया जा रहा है, जहाँ तक हम लोगों को होश है जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे, मोटा मान के चलिए आपके 30 साल 35 साल पहले से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये मुहर्रम तभी से मनाया जा रहा है, 35 साल मान के चलिए हम लोग देख रहे हैं उससे पहले से, रास्ता दे जाने के लिए 35 साल हो गया मनाने से हम लोग। मुहर्रम के ये सातवीं है आज, इसका क्या महत्व है? मुहर्रम का 7 तारीख जो कि इंग्लिश का 26 तारीख है, ये हम लोग जो मनाते हैं इमाम हुसैन के यादगार में मनाते हैं। आज मुहर्रम के 7 तारीख को यहाँ भारी मात्रा में मेला का आयोजन किया जाता है जिसमें महिलाएं बच्चे पुरुष सभी आते हैं। 7वीं तारीख का महत्व ये है कि आज यहाँ न्याज वगैरह होता है, पूजा पाठ का काम चालू है, और ये हम लोग बहुत काफी अरसे से चलता हुआ चला आ रहा है। और आप मुहर्रम के शुभ अवसर पर तमाम दर्शकगण से या आप जो पैकर निकल रहा है उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी यहाँ पे आए तमाम हजरात नाजरी से गुजारिश करूंगा और कर भी रहा हूँ, मैं चाहूंगा ये पर्व हम लोगों का हिंदुस्तान का सभी का पर्व है, हिंदू मुस्लिम सभी का पर्व है, और मैं चाहूंगा इसको शांतिपूर्वक सभी तरह से हम लोग मनाए ताकि किसी भी तरह का कहीं दुर्घटना नहीं हुए, क्योंकि अभी हम लोगों का सावन भी चल रहा है, विसर्जन पूजा भी है, और हम लोग सब मिलकर मना रहे हैं और हमारे सामने जो बैठे हैं सभी मिलजुल के मना रहे हैं और यहाँ पर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ जो देख रहे हो ये बन रहा है पैकर। पैकर की एक खास खासियत ये होती है कि इसमें जो भी व्यक्ति पैकर बनते हैं वो उनको जो है मजार वगैरह चूमना पड़ता है, और इससे आप क्या कर सकते हो, मन्नते वगैरह जो आप मांग सकते हो, मन्नत जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो अगर पूरी होती है उसके लिए जो है पैकर बनाया जाता है। और पैकर जब हर कोई नहीं बन सकता, अगर आप कुछ इच्छा है या आपकी कोई मनोकामना है उनकी जब तक आपकी पूरी नहीं होता तब तक आप जो है पैकर बन सकते हो, और पैकर बन के जो है आप फिलहाल इधर जो देख रहे हो ना इधर आपको बिरयानी वगैरह आपको मिल जाएगा। तो ये लास्ट है, लास्ट पार्ट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया फिर लाइक कमेंट शेयर करें, बगल भाई घंटी का बटन है आप उसे प्रेस करना बोले, क्योंकि आपका भाई A to Z जो मुहर्रम का सारा वीडियो मैं अपने चैनल पर लाने वाला हूँ। बस कुछ नहीं करना है आपको हमारे चैनल जुड़े रहने के लिए, लाइक रिकमेंड के शेयर के बगल में घंटी का बटन भाई आप उसे प्रेस करना है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।